नमस्कार किसान भाइयों, मैं केएन मौर्य और आप देख रहे हैं जहर मुक्त खेती। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो जिनका ये पूछना होता है कि कैसे कुछ लोग एक एकड़ से बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और हम बहुत बड़े खेत के मालिक हैं, फिर भी हम उनके बराबरी नहीं कर पाते हैं। उसका मतलब ये है, उनका ये तरीका होता है कि वो कुछ ना कुछ हटके करते हैं। यदि आपको मार्केट से हटके पैसा कमाना है तो आपको काम भी लोगों से हटके करना पड़ेगा। इसी तरह आज मैं हूँ हरियाणा में कौन सा जिला है ये? झज्जर जिले में हूँ और हमारे एक किसान हैं जो बड़े ही प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और जो बड़ी तकनीकी खेती की है, एक साथ दो फसलों की। और लगाने का तरीका इनका इतना बेहतर है कि मैंने इनसे कहा कि हम चाहते हैं कि इस तरीके को आप भी जानें। यदि आप भी बेलवर्गीय फसलों की खेती करते हैं, तरबूज की खेती करते हैं, खरबूज की खेती करते हैं या करेले की खेती करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। आइए मैं बात करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे इस किसान ने एक साथ दो फसलों को उगा रखा है। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम संजय है। संजय जी, हाँ जी। पूरा पता आपका? मेरा नाम संजय है, फादर नेम राम सिंह, गांव सूरजगढ़, झज्जर। ये संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने ये जो फसलें लगाई हैं, इसे देख करके वाकई मैं दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ। आप कुछ हटके कर रहे हैं। पहले तो हमारे किसानों को बताइए कि ये कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 4-5 साल से कर रहा हूँ। करेला के साथ तरबूज और करेला एक साथ, करेले के साथ तरबूज के साथ तोरी अलग। अच्छा, तरबूज के साथ तोरी भी और तरबूज के साथ करेला भी। इसका फायदा बेनिफिट क्या मिलता है? तरबूज के अंदर जो करेले के अंदर जो तरबूज होता है ना, उसका मिठास अलग ही होता है, उसका साइज भी अलग होता है। अच्छा। हाँ जी। मतलब साइज बड़ी होगी? साइज बड़ा होगा। अच्छा, पूरा साइज आएगा उसका। ठीक है। और मिठास भी अलग? मिठास भी अलग होगा उसका। जो करेले के अंदर जो तरबूज है उसका साइज कम से कम 5 किलो से नीचे रहने का है ही नहीं। अच्छा, कम से कम साइज 5 किलो का है। ठीक है। इससे ऊपर होगा साइज 10 किलो से और 5 किलो के अंदर रहेगा। 10 से 5 के बीच में रहेगा। बीच में रहेगा, ठीक है। और मिठास भी बहुत अच्छी है, मिठास इसमें बहुत ज्यादा रहेगा। अच्छा। और तोरी के अंदर जो तरबूज होता है ना, जी जी, वो तोरी का तरबूज होता है, वो तोरी तरबूज पहले लगते हैं। तरबूज जैसे बड़ा हो जाता है ना, इतना बड़ा पौधा हो जाता है, उसके बाद में बीज लगता है तोरी का। अच्छा, पहले तरबूज का पौधा बड़ा कर लें फिर उसके बाद में। मतलब कितने दिनों का तरबूज का पौधा हो जाता है? कम से कम मान लो 1.5 महीने का। 1.5 महीने के बाद तोरी लगाए? तोरी लगा दे। उससे क्या फायदा होगा? बेल को पलटना पड़ता है ना, तब तोरी का बीज। अच्छा, उससे क्या फायदा होगा किसान? उससे जब तरबूज खत्म हो जाएगा तब तोरी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तरबूज खत्म हुआ नहीं कि एक फल शुरू हो गया? दूसरा शुरू हो गया। चलिए, अब ये बताएं कि करेले का होता है, करेला और तरबूज दोनों लगते हैं इकट्ठे। अच्छा, तरबूज और करेला है ये लगते हैं इकट्ठे। ठीक है, इनको साथ लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तोरी की बेल होती है ज्यादा बड़ी, वो बच जाती है, वो तरबूज को साथ लगा देंगे तो वो ढक लेगी, फिर उसमें तरबूज का फल नहीं आएगा। अच्छा, इसका शुरू से थोड़ा सा प्रोसेस बताइए कि इसको कब लगाया था आपने, कैसे लगाया था? मैंने दिसंबर के फर्स्ट में लगा दिया। हाँ। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस किया, खाद वगैरह? तैयारी इसकी कर दी थी मैंने नवम्बर में। अच्छा, खेत को नवम्बर में तैयार कर दिया था और दिसंबर के फर्स्ट में लग गया था। खाद क्या क्या यूज किया इसमें? खाद इसमें मैंने कुरड़ी का खेत ज्यादा डाल रखे है। कुड़ी मतलब गोबर? गोबर का, गोबर की खाद। हाँ जी, गोबर की खाद डाल रखी है मैंने। 1 किलो में 5 टोली 5 टोली गोबर की खाद। हाँ, ठीक है। 1 कट्टा डीएपी। ठीक। 1 कट्टा यूरिया। ठीक है। सबको मिक्स करके अच्छा डाल दिया कुरड़ी के खाद के अंदर मिला के। हाँ, फिर ट्रैक्टर से मिलवाते हैं उसको। ठीक है, तो पूरे खेत में डालते हैं या केवल गड्ढों में? केवल गड्ढे पूरी लाइन में डलवा के उसको ट्रैक्टर से मिलवा के फिर लगाते हैं। लगा दिया। बीज को भिंगाते भी हैं? बीज को भगाने की जरूरत तब है जब ज्यादा ठंडी है। अच्छा, ये कब लगाया था आपने? अगर कोई बीज लगाना हो तो ठंडी नहीं है, अब 3-4 दिन में अपने आप जम जाएगा। अच्छा, अब जरूरत नहीं है। कब का लगाया हुआ है ये? ये दिसंबर में मेरे, ये लगा लो 1-2 तारीख के करीब मैंने तैयार कर दिया था, बीज लगाना शुरू कर दिया था 1 दिसंबर को। तो ठंड से बचाने के लिए क्या किया था आपने? लो टनल किया था मैंने। अच्छा, लो टनल यानी प्लास्टिक से ढका था। तरबूज का कौन सा बीज है? तरबूज का स्काटा का। स्काटा। और करेले का? करेले का नूर है। अच्छा, अब हमें ये बताइएगा, थोड़ा सा मैं दिखाऊं किसान भाइयों, थोड़ा सा करीब आइएगा। ये देखें थोड़ा सा संजय भाई, हमें ये बताइए कि पौधे से पौधे की दूरी क्या रखा है आपने? आधा फीट करेला
कम से कम आधा एक फुट का होगा ये, एक फीट तरबूज से करेला एक फुट का, एक फीट करेला से करेला एक एक फीट की दूरी पे, एक एक फीट की दूरी, ठीक है। और ये तरबूज से तरबूज कितना दूरी हो गया, लगभग छह फीट की दूरी पे, ठीक है। ये आप मतलब एक ही साथ लगा दिया, एक ही साथ लगा दिया, ठीक है। अब इसको अभी कितने दिन हो गया पन्नी हटाए हुए, पन्नी 5-6 दिन पहले हटाई, 5-6 दिन हटा दिए। ये मैं देख रहा हूँ कि बगल में आपने ये घास डाला हुआ है, कुछ डाला हुआ है, इसका फायदा क्या मिलेगा? इसका फायदा है जैसे ये नाल है ना, ये इसको पकड़ लेगा इससे, ठीक है, और इसको पकड़ने के बाद आगे तक बेल बदेगी, यहाँ एकदम सुकड़ के नहीं रहेगी। अच्छा, और फल को तोड़ते समय दिक्कत नहीं आएगी, फल भी सुरक्षित रहेगा, हाँ, नीचे से जलेगा नहीं, नीचे से जलेगा नहीं, ठीक है। अब इन दोनों में पहले फल कौन आएगा, कौन फलेगा पहले? पहले तो करेला आएगा, पहले करेला आएगा, करेला आएगा, करेला शुरू हो जाएगा, करेला शुरू हो जाएगा। अच्छा, तरबूज आएगा बाद में। अच्छा ठीक, तरबूज लग तो जाएगा लेकिन तोड़ाई के लिए बाद में आएगा, हाँ, मतलब रेडी बाद में होगा, रेडी बाद में होगा। तरबूज तोड़ के खत्म हो जाएगा फिर भी करेला चलेगा आपका? बिल्कुल, करेला चलेगा चौमासे तक, चौमासे तक, बिल्कुल सातवें महीने तक ये चलता रहेगा, ये बीच में खत्म हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। संजय भाई, ये जो आप कर रहे हैं और बहुत खेती आपने की है, इसे जो 4-5 सालों से कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या हो रहा है आपको? इसका बेनिफिट बढ़िया है, मंडी भाव में एक तो इतना फसल लगाते हैं तो इसका भाव ठीक मिल जाता है, ठीक है, इसका रेट और ठीक मिल जाता है, एक साथ दो फसलें ले लेते हैं, दो फसलें आ जाती है, और नहीं लेंगे तो फिर ये खाली रहेगा गैप, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज अब आपसे पूछूं, लागत में यदि हम तरबूज की खेती करें, करेला ना करें, तो लागत में कितने का अंतर आता है? लागत में करेला ना करें, हाँ, तो लागत में तो अंतर आता है, बीज का ही अंतर है, बीज का ही अंतर, सारा प्रोसेस सेम है, हाँ, सारा प्रोसेस सेम है, लेकिन बीज का अंतर आएगा। अच्छा, बीज लगा दिया तो प्रॉफिट डबल हो जाएगा, प्रॉफिट डबल हो जाएगा। चलिए, ये जो बहुत सारे लोग होंगे ये सोचते होंगे कि जैसे आपने किया है आप फायदेमंद रहे हैं, बहुत सारे लोग जो अभी देख रहे हैं आपको सोच रहे हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको क्या सजेशन देंगे? देखो, तरबूज के अंदर करेला बिल्कुल एकदम बढ़िया प्रोसीजर है, बढ़िया तरीके, बढ़िया पैदावार के लिए, आमदनी का जरिया एकदम बढ़िया है, दो फसलें एक साथ, दो फसलें तरबूज के साथ करेला, और तरबूज के साथ क्या बताया आपने, तोरी, ये तीनों अच्छी चीजें हैं, तीनों अच्छी चीजें एक साथ किया जा सकता है, तरबूज या करेला या तरबूज या तोरी, करेले के अंदर तोरी नहीं चलेगी, तरबूज के अंदर ही चलेगा। अच्छा, मतलब चलेगी तो तरबूज के साथ ही दोनों, हाँ, दोनों में से चाहे जो लगा लो, जो चाहिए वो लगा लो। कुछ किसान आपसे बात करना चाहेंगे, उनसे उनके लिए नंबर अपना दे पाएंगे आप? हाँ, उनके लिए नंबर, हाँ बताइए, 9050-74-46-30। जो किसान साथी बात करना चाहते हो 10 बजे से 5 बजे तक आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। खेती से और भी कोई जुड़ी हुई समस्या हो आपकी तो 9236-11-47-11 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी इसे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।